हमारे कुछ इश्यूज़ है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहला इशू हमारा एलिजिबिलिटी का है। एलिजिबिलिटी आप पूरी कंट्री में देख लीजिए, पूरी स्टेट में देख लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में देख लीजिए, उसका बेसिक हॉर्टिकल्चर या बेसिक जो एलिजिबिलिटी होता है, लेकिन हमारे साथ वैसा नहीं है। हम कोई भी जॉब हो, कोई भी पोस्ट हो, हमारा MSc उसमें होता है, MSc हॉर्टिकल्चर हमारा बेसिक एलिजिबिलिटी है। हम वो चाहते हैं कि वो चेंज हो, वो बेसिक रहे। दूसरा, पिछले 14 सालों से जब से हॉर्टिकल्चर 2007 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, एक भी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में नहीं हुई है, एक भी नहीं। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सब बेकार बैठे हैं जी। तीसरा मसला है हमारा REB स्कीम। लास्ट ईयर एक REB स्कीम आई थी, वो पूरा फाइनल इस वक्त पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे, लेकिन जो हमारे सेक्रेटरी है मंजूरुल साहब, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वो सीधा उसको रिजेक्ट कह रहे हैं, वो हमारे मुँह पर कह रहे हैं कि मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जी। हम चाहते हैं हमारे सेक्रेटरी को चेंज किया जाए, क्योंकि उन्होंने आज तक किया क्या है हमारे लिए? इतने सालों से वो सेक्रेटरी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है जी। चौथा पॉइंट है हमारा इसका सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट से हमारी SDO पोस्ट है जी। आप डिपार्टमेंट में देखिए, पूरे डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो भी HDOs है उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वो आधे 12th पास है, आधे चौकीदार थे, फिर उनको प्रमोट किया गया है इसमें HDO में। लेकिन जबकि हमारे पास PhD स्कॉलर्स बैठे हुए हैं हॉर्टिकल्चर में, उन्होंने अपना 10 साल दिया है, पढ़ाई की है, और वो बेकार बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम सबको एडजस्ट किया जाए।